सब्सक्राइब कीजिए बिंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए फिजिक्स को आसान तरीके से सीखने के लिए। विद्युत स्थैतिकी पार्ट टू। मैं प्रकाश मिश्रा आप सबके अपने YouTube चैनल बिंग फिजिक्स पर जबरदस्त स्वागत करता हूं आप सभी का, क्योंकि आज वो जो वीडियो है वो रिवीजन वाली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और इतना ही नहीं, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो टॉर्क लगती है यानी क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, उसके लिए भी व्यंजक हम लोग इस वीडियो के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। आपने दो आवेश का जोड़ा ले लिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, आपने दो आवेश लिया, आवेश का जोड़ा मैं बोल रहा हूं, आवेश का जोड़ा का मतलब एक ऋणात्मक आवेश एक धनात्मक आवेश, हमने आवेश का एक जोड़ा ले लिया और ये आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी कम दूरी 2a पे सेपरेटेड है ना, ये 2a पे सेपरेटेड है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि जो आवेश है आपका सूक्ष्म दूरी 2a पे सेपरेटेड है। तो आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगली बात समझ में, कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो देखो यहां मैंने दो आवेश ले रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच की कुछ दूरी है सूक्ष्म दूरी 2a, तो कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी 2a, आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव का अर्थ है आवेश और उनके बीच के दूरी का गुणनफल, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं और ये P कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इस P की बात करो तो, और केवल विद्युत द्विध्रुव ये आवेशों का जोड़ा जो एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पे हो, इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जब इस विद्युत द्विध्रुव को इनके बीच के दूरी के गुणनफल से हम गुना कर देते हैं, अर्थात आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, तो वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और P बराबर होता है Q into 2A, Q मतलब आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और 2A का मात्रक होता है मीटर, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर। तो आपको एक सूत्र समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q into 2A। अब एक लेवल और नेक्स्ट लेवल में आपको लेके चलता हूं। मान लिया कि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में व्यवस्थित है, इसका अर्थ यह है कि जैसे ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र में आपके सामने अभी बना रहा हूं, और इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र के अंदर मैंने रख दिया एक कोई आवेश का जोड़ा यानी विद्युत द्विध्रुव, ये मैंने ऐसे रख दिया, रख दिया। अब ये मान लिया मैंने कि थीटा कोण पे रखा हुआ है, ये आपने एक लंब डाल दिया यहां पे बीसी। अब जरा यहां आप देखो, ये जो द्विध्रुव है, जो द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार की है कि ऊपर वाला हिस्सा इसको दाएं तरफ घुमाना चाहेगा और नीचे वाला हिस्सा इसको बाएं तरफ घुमाना चाहेगा। इसका मतलब इसमें एक टॉर्क उत्पन्न होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इसी बल आघूर्ण को हमें पता लगाना है कि इसमें आखिर कितना बल आघूर्ण निकलता है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब आप किसी द्विध्रुव को रखते हो तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है। तो बेसिकली बल आघूर्ण यानी टॉर्क को हम लोग टाउ से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है बल गुने लंब दूरी, बल गुने लंब दूरी यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहां देख पा रहे हो कि बल जो है, बल का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है F बाई क्यू, तो F बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू,
तो आप चाहो तो बल के जगह रख सकते हो E into Q, क्योंकि आप जानते हो E बराबर होता है F by Q, so F बराबर E into Q हो जाएगा। अच्छा, लंब दूरी आपको इस चित्र के अंदर दिख रही होगी, लंबवत दूरी का काम क्या कर रही है? बिल्कुल सही, BC। तो लंब दूरी की जगह आपने BC रख दिया। अब जरा थोड़ी इसमें हम लोग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, त्रिभुज का नियम लगाते हैं। तो आपको दिख रहा है त्रिभुज है इन ट्रायंगल एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा है अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं इसके अंदर, तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है बीसी, और हाइपोटेनस का काम कर रहा है ए बी। तो यहां से बीसी की वैल्यू आपकी हो गई ए बी साइन थीटा, और ए बी के जगह पे आप समझ करो 2a रख सकते हो, ए बी के जगह पे 2a रख सकते हो, तो ये मान आ गया आपका 2a साइन थीटा। यानी बीसी का मान आपका क्या आ गया जी, 2a साइन थीटा। तो बीसी के जगह पे आप चाहो तो रख सकते हो 2a साइन थीटा। अब ये q इंटू 2a जो है, जो q इंटू 2a है, वो आपका बनने वाला है p, और इसको आप चाहो तो उल्टा करके पी साइन थीटा भी लिख सकते हो, और वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट के हिसाब से, वेक्टर के गुणनफल के नियम के हिसाब से आप इसको पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो। ये आपके बल आघूर्ण यानी टॉर्क का सूत्र आ गया, पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा। अब आज की पढ़ाई आपको समझ में आई? मैं एक बार और रिकैप करा दूं, जब किसी दो आवेश का जोड़ा एक निश्चित दूरी से यानी सूक्ष्म दूरी से सेपरेटेड हो तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि यहां मैंने लिखा है पी। पी बराबर होता है क्यू इंटू टू ए। अब मैंने अगली बात आपसे करी कि अगर आप कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हो, मतलब अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने एक द्विध्रुव को रख दिया, तो इसमें कितना टॉर्क लगेगा, कितना घुमाव उत्पन्न होगा, तो उसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। फिर हमने सूत्र रखा और ये मान आ गया पी क्रॉस ई। अब यहां पे जो मेन आपको इंपॉर्टेंट बात समझना हो क्या है कि अगर आप द्विध्रुव को कुछ कोण पे रख रहे हो थीटा कोण पे तो सही है, अगर आपने उसको लंबवत रख दिया तो क्या होगा, मतलब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात, उसको हम बोलते हैं डाइपोल की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। तो आप ध्यान रखोगे कि जब 90 डिग्री पे रखा जाएगा तो डाइपोल हमारा अनस्टेबल होगा, और जब 0 डिग्री पे रखा जाएगा तो डाइपोल स्टेबल होगा। द्विध्रुव को लिख लो इस बात को नोटबुक में, द्विध्रुव को यदि 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में तो वह क्या होगा, अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो वो स्थाई होगा यानी उस पे सबसे कम टॉर्क लगेगा। तो आपको याद रखना है कि थीटा बराबर 90 यानी अनस्टेबल अस्थाई, और थीटा बराबर 0 डिग्री तो अस्थाई यानी स्टेबल। ये शर्त है, ये कंडीशन है जिसके आधार पे कोई भी द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्टेबल और अनस्टेबल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के अंदर आपने द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण एक समान विद्युतीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक पूरी तरह से समझ लिया होगा। इस वीडियो को तमाम उन स्टूडेंट तक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए ताकि द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो तब तक बहुत बहुत आपका दिल से आभार, जिस तरह से आप सभी चैनल को शेयर और सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू टू यू ऑल।